विश्व के हर कोने में महादेव के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं, लेकिन हर मंदिर के कुछ ना कुछ रोचक कथाएं हैं, जिसे जानकर या तो हम हैरान हो जाते हैं या ये समझते हैं कि क्या ये वाकई सच है। जी हाँ, ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगाना महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं महाकवि विद्यापति की नौकरी की थी। आपको बता दें कि महाकवि विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, साथ ही मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक पुरानी कहावत के अनुसार भोलेनाथ विद्यापति की भक्ति और रचनाओं से बेहद प्रसन्न थे। एक दिन भगवान शिव की उनके घर नौकर बनने की इच्छा हुई। वे एक साधारण व्यक्ति के भेष में कवि विद्यापति के घर पहुंचे और नौकरी की इच्छा जाहिर की। तब कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण भगवान शिव को नौकरी पर रखने से मना कर दिया, लेकिन सिर्फ दो वक्त के भोजन पर महादेव को रख लिया। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे, साथ ही उगना भी थे। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल को लाने के लिए कहा। भगवान शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली और जल ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन में ये जल कहाँ से आया। तब विद्यापति को संदेह हुआ कि कहीं उगना खुद भगवान शिव तो नहीं। तब विद्यापति उगना को शिव संबोधित कर उनके चरणों में गिरे। तब शिव को अपने असली रूप में आना पड़ा। शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहूंगा, मेरा वास्तविक परिचय किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आए और उनके मुंह से निकल गया कि ये तो भगवान शिव हैं, इन्हें तुम लकड़ी से मार रही हो। जैसे विद्यापति के मुख से ये बात निकली, शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब विद्यापति वनों में शिव को पुकारने लगे। अपने भक्तों की हालत देख कर भगवान शिव उनके सामने आए और बोले कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गई। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गाँव में स्थित है। आपको बता दें कि उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। उगना महादेव के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ शिवलिंग आधार तल से 5 फुट नीचे है। माघ कृष्ण पक्ष में आने वाला चतुर्दशी मंदिर का प्रमुख त्यौहार होता है। अब मंदिर का परिसर काफी भव्य बन गया है। वहीं मंदिर के सामने सुंदर सरोवर है, पास में ये कुआ है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि शिव जी ने यहीं से पानी निकाला था। काफी श्रद्धालु इसका पानी पीने के लिए और अपनी आस्था प्रकट करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।